नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा शहर में रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु जो इस वक्त एक अनोखी बात को लेकर चर्चा में है। दरअसल वडोदरा की 24 साल की ये लड़की खुद अपने ही साथ शादी करने वाली है। 11 जून को गोत्री इलाके में मौजूद मंदिर में क्षमा बिंदु अपने साथ शादी करेगी और शादी के बंधन में खुद के साथ ही बनेगी। इसे लेकर क्षमा बिंदु की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और उसने अपने जानने वालों को शादी का न्योता भी भेज दिया है। तो आइए क्षमा बिंदु से जानते हैं उनकी इस अनोखी शादी के बारे में। ये विचार तो बचपन से मेरे मन में था। जब मैं शीशे को देखा करती थी और मैं सोचती थी खुद से बातें करती थी कि मैं खुद को कैसे रखूंगी बड़ी होकर, ये ख्याल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक गया था। और आगे चल के जब मैं बड़ी हुई और मैंने एक वेब सीरीज़ देखी जिसमें बोला था एन विद एन ई में, एवरी वुमेन वॉन्ट्स टू बी अ ब्राइड बट नॉट अ वाइफ, तो मुझे ये ख्याल आया दुल्हन तो मैं भी बनना चाहती हूँ, सजना संवरना मैं भी करना चाहती हूँ, पर क्या मैं किसी की बीवी बनना चाहती हूँ? तो मेरा जवाब ना था। तो मैंने सोचा क्या मैं खुद के साथ शादी कर सकती हूँ बिना ये सब किए, और मुझे सोलोगेमी का कंसेप्ट पता चला और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद के साथ शादी करने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन हम हर बार की तरह यही था कि तुम फिर कुछ नया लेके आ गई हो, क्योंकि तुम लेके आती हो, तुमको समाज में रहना नहीं है। बट इन दी एंड मेरे पेरेंट्स ने यही कहा, तुम्हारी खुशी जिसमें है उसमें हमारी खुशी है। मेहमानों को मैंने ऑनलाइन कार्ड बनाया है, 12 से 15 लोग आने वाले हैं टू द मैक्स, जो मेरे बहुत ही क्लोज हैं, जिसमें से मेरे ऑफिस कलीग से लेके मेरे अहमदाबाद के बड़ोड़ा के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, वो सब आने वाले हैं, तो उनको मैंने ऑनलाइन इन्विटेशन ही भेजा है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।